डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कह लीजिए नरेशन, ग्रामर की दुनिया में बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और ये यूज़ कहाँ होता है? रिटन इंग्लिश में भी यूज़ होता है, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जिस चीज़ में हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंचन की वीडियो यानी कि इंग्लिश कनेक्शन पर वीडियोस देखिए, टेंशन छू मंतर हो जाती है, कंफ्यूजन गायब हो जाती है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है गाइज। इस वीडियो को देखने के बाद आप नरेशन को लेके यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। हे गाइज, माय नेम इज़ कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइज, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं नरेशन का मतलब क्या है। नरेशन मतलब नरेट करना। नरेट क्या करते हैं? हम किसी स्टोरी को नरेट करते हैं। तो जब भी कोई बात कही जा चुकी है, मतलब पास्ट में जो चीज़ कहा जा चुका है, उसको जब हम किसी और से बताते हैं, किसी की भी कही गई बात हो सकती है, चाहे आपने किसी से कहा हो, चाहे किसी ने आपसे कहा हो, चाहे किसी ने किसी और से कहा हो, आप जब उसको किसी से भी बताते हैं तब आप यूज़ करते हैं नरेशन का। तो नरेट आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप एग्जैक्टली किसी की कही गई बात को यानी कि किसी के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज़ बोल दें, ठीक है, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। तो ये हुआ पहला तरीका, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि शी सेड, उसने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अब ये शी मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उससे मिली कुछ दिन पहले और उसने मुझसे बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोटेशन मार्क्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो ये इसलिए लगे हैं क्योंकि उसने यही वर्ड्स बोले थे, मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर लिए। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका जो कि कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें मैंने क्या किया, शी सेड दैट, दैट लगा दिया, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, मतलब कि उसने कहा उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने मेरे शब्दों में यानी कि मैंने अपने वर्ड्स यूज किए उसी बात को कहने के लिए। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट वही वर्ड्स नहीं यूज करते। जब डायरेक्ट वर्ड्स यूज किया था तो डायरेक्ट स्पीच, जब मैंने अपने शब्दों में कहा तो इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सेम है। अब जब ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें जो ये वर्ब यूज होती है, जैसे यहां पे सेड यूज हुई है, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आपने नाम समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपने यहां नोटिस किया होगा कि यहां आई एम था, यहां वॉज हो गया, तो क्या हुआ, टेंस ही चेंज हो गया। और टेंस कहाँ गया, पास्ट में। जब टेंस को हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त चेंज करते हैं तो उसे बैक शिफ्ट बोला जाता है। टेंस बैक शिफ्ट होता है। भले ही हम ये बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन होता क्या है, समय कौन सा पहले आता है, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर फ्यूचर। तो जब भी हम प्रेजेंट को बैक शिफ्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, पास्ट में। तो आप ध्यान दें यहाँ आई एम नॉट फीलिंग यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो कहाँ गया, was not feeling, past continuous में। तो इसका रूल है, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक बार में आप समझ जाएंगे। अगर इसमें inverted commas के अंदर जो tense है वो present indefinite है तो वो change होगा किस में, present indefinite will change into past indefinite, और अगर present continuous है तो past continuous में, present perfect past perfect में, और present perfect continuous past perfect continuous में। तो ये इजी है, सारे प्रेजेंट टेंसेस उसके पास्ट वाले में चले जाएंगे। अब बात आती है कि अगर पास्ट टेंस का ही सेंटेंस रहेगा तो फिर कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल्स हम अभी आगे देखेंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो अगर पास्ट इनडेफिनिट है इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर वो पास्ट इनडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पास्ट परफेक्ट में ही है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वैसे ही लिखे जाएंगे। ये हो गई प्रेजेंट और पास्ट की बातें। अब आ गए विल पे। विल कब यूज होता है, फ्यूचर में। तो अगर विल आता है तो विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ
विल है तभी चेंज करेंगे, अगर विल बी है तो हो जाएगा वुड बी, विल हैव है तो हो जाएगा वुड हैव, विल हैव बीन है तो हो जाएगा वुड हैव बीन। यानी कि विल अगर आ गया इसके अंदर तो उसे हम वुड में बदल देंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया, इजी लग रहा है ना, ये लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इसको। अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि आपने टेंसेस को बैक शिफ्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं ये समझते हैं कि इसमें चेंज क्या क्या हुआ है। तो शी सेड हमने एज इट इज रख दिया, एक बात का यहीं पे आप समझ लीजिए, यहां था शी सेड तो हमने बोला शी सेड दैट, कुछ चेंज नहीं किया। अगर यहां होता शी सेड टू मी फिर कॉमा होता तो हम अगेन इसको रिपोर्टेड स्पीच में शी सेड टू मी ना बोलते, तब हम बोलते शी टोल्ड मी, ठीक है। तो जब भी टू के साथ आएगा तो आप उसे टोल्ड में बदल देंगे, तो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ से टू आता है तो आप उसको बदल देंगे टेल में, ठीक है। ये तो सेकेंड फॉर्म से ना, ये से की सेकेंड फॉर्म सेड और ये टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो अगर फर्स्ट फॉर्म में आता है से टू तो आप बना देंगे उसको टेल, उसके बाद आगे वाली ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपने यहां पे क्या क्या चेंज किया। एक तो ये हो गया दैट लगा दिया आपने, तो शी सेड के बाद आपने क्या देखा, इन्वर्टेड कॉमास हट गया है। तो इसका पहला रूल क्या हो गया, आप यहां समझिए क्या क्या चेंज हो रहा है, कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक है। So you can say remove inverted commas, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या देखेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा हटा साथ में यहां क्या आ गया, दैट, यूज दैट। तो आपने दैट का यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा हटते ही आपने दैट का यूज कर लिया। अब एक चीज और बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में अगर आप दैट न भी बोले तो भी चलता है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं शी सेड शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। रिटन इंग्लिश में आप दैट का यूज करते हैं। सो अब आगे आप बढ़े, आई की जगह आपने यूज कर लिया शी, तो ये क्या है, आप जानते हैं आई हो गया, शी हो गया, ही हो गया, यू हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस। ये चेंज होते हैं, चेंज द प्रोनाउंस। कई बार आगे चल के आप पाएंगे कि हमें इन्हें बैक शिफ्ट नहीं भी करना होता लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे, क्योंकि एज इट इज वो वर्ड्स आपने यूज किए थे। जब आप अपने शब्दों में बताएंगे तो आप आई तो नहीं बोलेंगे, अगर आप यहां पे आई ही बोल दें शी सेड दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं, आई को चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसका भी एक रूल है, तो चेंज द प्रोनाउंस इसमें क्या है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसको हम चेंज करते हैं यहां, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वही तो बोलेगा ना आई। तो अगर यहां शी है तो शी हो गया, ही रहेगा तो ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम है जैसे रोहन है तो हम ही यूज कर लेंगे यहां पर, क्योंकि बार बार नाम तो लेंगे नहीं, रोहन है तो यहाँ पे ही यूज कर लेंगे, मीरा होगी तो यहाँ पे शी यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे होता माई मदर तो भी हम शी यूज करते, होता माई फादर तो हम ही यूज कर लेते। तो आई चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से वी भी चेंज होता है इसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसने बोला है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे अगर सेकेंड पर्सन होता यू तो सेकेंड पर्सन चेंज होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका, इस इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है उसका, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहां पे मैंने क्या बताया कि किस तरीके से मैंने बात की, मतलब मुझसे ही कहा था। जब नहीं होता यहां पे ऑब्जेक्ट तो मोस्टली यही होता है शी सेड टू मी मान लेते हैं, तो यहां माना हुआ है टू मी। तो अगर यहां पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो यहां के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ओ, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया यानी कि ही शी इट या फिर किसी का नाम तो वो चेंज नहीं होता। तो मैं यहां लिखूंगी एन,
तो एस इज फॉर सब्जेक्ट, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट और एन इज फॉर नो चेंज. तो ये एक रूल आप इस तरीके से रख लीजिए. एस ओ एन सन, एस ओ एन सन, सन मीन्स बेटा होता है, वो आप याद रख लीजिए. 1 2 3 एस ओ एन, ये आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे. अगर आप गौर करें तो कुछ ज्यादा खास इसमें रूल नहीं है. आपको करना क्या, अगर आई वी है, आई या फिर वी, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा जो कि इस वर्ब से पहले आया हुआ है. और अगर यू है तो जो इस वर्ब के बाद आया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. और अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा. आसान है, बहुत ही आसान है. एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब एग्जांपल्स देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा क्या चेंज हुआ. टुडे से दैट डे हो गया है. तो ये टाइम रिलेटेड एक वर्ड है टुडे, इसको हमने दैट डे किया. तो ऐसे अगर और भी वर्ड्स आते हैं जैसे नाउ है तो उसे देन कर देंगे, तो वो भी आगे समझ लेंगे. अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. तो जैसा कि उस टेंस में टुडे से दैट डे हो गया था, तो रूल नंबर 4 इज चेंज टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, जो कि यहां पर मैंने लिख रखे हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए. अगर नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, दिस का दैट, अगो का बिफोर हो जाएगा, टुनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो अगर आ गया तो ऑप्शंस हैं, द नेक्स्ट डे बोल सकते हैं आप, द फॉलोइंग डे बोल सकते हैं, द डे आफ्टर बोल सकते हैं. तीन तरीके हैं आपके पास. यस्टरडे है तो आप बोल सकते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर. और अगर नेक्स्ट वीक है तो आप बोल सकते हैं द फॉलोइंग वीक, या फिर जैसा इसमें आपने सीखा था द नेक्स्ट वीक हो जाएगा, या फिर द वीक आफ्टर. इसी तरीके से अगर लास्ट वीक है तो जैसा यस्टरडे में था उस तरीके से बनाएंगे, द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर. क्लियर? तो आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप आगे कभी भी अटके तो इसे देख लें. जब भी ऐसे टाइम या प्लेस रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, हियर है टू देयर, ये प्लेस रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, तो उन्हें हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से. रूल नंबर 5, जो कि मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, टेंस चेंज होता है, यानी कि टेंस को बैक शिफ्ट करते हैं. अब देखते हैं एग्जांपल्स कुछ इन वर्ड्स के साथ हैं. ही सेड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, उसने मुझसे कहा दिल्ली के लिए मैं कल निकलूंगा. तो अब ही सेड टू मी है, अब टू भी लगा है तो ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट लग जाएगा. जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि दैट को आप स्पोकन इंग्लिश में ना भी बोलें तो भी चलेगा. ही टोल्ड मी दैट, अब आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रूल याद है 1 2 3 एस ओ एन सन, तो एस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है ना, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही. He told me that he, अब will का क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, will से would बन जाएगा, he would leave for Delhi. फिर tomorrow के लिए क्या use करेंगे हम, इनमें से कुछ भी use कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, the day after. आप तीनों में से कोई भी use कर सकते हैं. क्लियर? ये हो गया एक सेंटेंस. अब दूसरा है दे सेड टू अस, इसको हम बना देंगे, अभी कुछ भी नहीं देख रहे आगे क्या है, यहाँ पे हम टोल्ड लगा देते हैं, दे टोल्ड अस, सॉरी अब कॉमन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, दैट, दे टोल्ड अस दैट. अब यू है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस जब यहां पे आएगा तो क्या बनेगा, ये वी, दे टोल्ड अस दैट वी. अब यहां आर गोइंग टू है तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या आएगा, वॉज या फिर वर आएगा, है ना, वी वर गोइंग टू डू. अब दिस है, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट. अब टुनाइट है, टुनाइट का क्या हो जाएगा, ये दैट नाइट, गोइंग टू डू दैट, दैट नाइट. अब यहां पे दो बार आ गया दैट, क्योंकि हमने दिस को भी दैट में बदला और टुनाइट का दैट नाइट हुआ. दे टोल्ड अस दैट वी वर गोइंग टू डू दैट दैट नाइट, ठीक है. अब यहां आते हैं, शी सेड टू मी शी इज वेरी बिजी दिस वीक, तो ये क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट
शी है थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसे एज इट इज लिख देंगे. शी टोल्ड मी दैट शी, अब इसका क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि ये है प्रेजेंट सिंपल में तो ये चला जाएगा पास्ट सिंपल में. शी वॉज वेरी बिजी, अब दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक. क्लियर? तो आपने ये देखा कि जब भी ऐसे वर्ड्स हैं इन्हें हमें चेंज कर देना है. अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस बना ले, मान लीजिए यहाँ होता शी इज नॉट वेरी बिजी दिस वीक, तो यहाँ हो जाता शी वॉज नॉट वेरी बिजी दैट वीक. तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाने का तरीका एक ही जैसा है. ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीन शॉट और अब हम उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जिसमें हम टेंस को बैकशिफ्ट करते हैं. Now the examples, he said, she always wears a coat. हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है ये किस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में. तो हो जाएगा he said. अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम said ही लिख देंगे. He said that she, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, she always, अब यहाँ वेयर्स है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा वोर. शी ऑलवेज वोर अ कोट. इजी लग रहा है ना आपको, बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि जब चीज समझ में आ जाती है कैसे करना है, आपको बस बैक शिफ्ट करना है टेंसेस को, प्रोनाउंस को चेंज करते जाना है. दे सेड दे आर कमिंग फॉर लंच, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में. They said that they भी थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा. They, अब ये आर है, वहां हम क्या यूज करेंगे, were का. They were coming for lunch. ठीक है, नेक्स्ट इज ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ये हो जाएगा ही सेड दैट She has का हो जाएगा had. She had finished. अब ये her है क्योंकि third person है, ये भी change नहीं होगा. Her homework. ठीक है. Next Meera said, I have been listening to music. तो ये है present perfect continuous. इसको हम change करेंगे past perfect continuous. तो हो जाएगा Meera said that. I है फर्स्ट पर्सन, यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो मीरा है तो हो जाएगा शी, दैट शी हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन. लिसनिंग टू म्यूजिक. ठीक है, अब नेक्स्ट ही सेड माय फ्रेंड गेव मी अ बुक. ये है पास्ट इनडेफिनिट का, पास्ट इनडेफिनिट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड That, अब देखिए यहां पर my है, first person pronoun है, ये change होगा इसके according, तो ये he है तो यहां पर his हो जाएगा, his friend. फिर gave है, यहां verb की second form use हुई है, और जब past perfect में बनाएंगे तो हम क्या use करेंगे, had given, had given. अब ये me है तो me भी change होगा इसी के according, तो क्या हो जाएगा, him. His friend had given him a book. ठीक है, तो आपको pronouns पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ tense के back shifting पे, फिर आपके लिए सारी चीजें easy हो जाएंगी. Next is my brother said they were living in Delhi. ये क्या है, ये past continuous का sentence है, इसे change करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, past perfect continuous में, तो क्या हो जाएगा, my brother said that. यहां तक कर लिया, फिर दे थर्ड पर्सन है वैसे ही रहेगा, दे वर है यहां पे, हम यहां क्या यूज करेंगे, had. They had been living in Delhi. क्लियर, इजी हो गया आपके लिए. नेक्स्ट इज ही सेड शी हैड गॉन होम. ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, तो इसे हम इसी तरीके से लिख देंगे. He said that she had
गॉन होम। अब एक चीज का आप ध्यान जरूर से रखिएगा कि अगर यहां शी की जगह आई होता तो ये चेंज होता प्रोनाउन, टेंस नहीं चेंज होगा लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। अगर यहां पे मान लीजिए इसे हम अभी चेंज कर देते हैं आई, आई होता तो ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होता और यहां पे ये हो जाता ही, ही सेड दैट ही हैड गॉन होम। क्लियर। नेक्स्ट इज शी सेड आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट इन 3 डेज। सो विल, अब जो विल है तो क्या करना है, विल को वुड में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट आई, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा शी, शी वुड फिनिश, अब दिस रिपोर्ट को क्या करेंगे हम दैट कर देंगे, दैट रिपोर्ट इन 3 डेज। ठीक है, तो बस विल को वुड कर देना है। ही सेड आई विल बी मेकिंग टी, ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यहां पे विल को वुड कर देंगे इजी हो जाएगा। ही सेड दैट आई चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ही वुड बी मेकिंग टी। इसी तरीके से यहां भी शी सेड आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, ये फ्यूचर परफेक्ट है, बस विल को चेंज कर देना है। शी सेड दैट आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी वुड हैव, फिर बाकी की चीजें वैसे ही क्लीन्ड द रूम। क्लियर। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आएगा तो विल की जगह वुड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, अब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया कि टेंसेस को बैक शिफ्ट कैसे करना है, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, साथ ही साथ टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स को किस तरीके से चेंज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसमें। तो अब क्या नरेशन पूरा हो गया? जी नहीं, अभी तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने नहीं सीखे। जी हाँ, अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सीखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अभी आपने मॉडल्स वाले सेंटेंसेस नहीं सीखे, अगर कैन कुड मे माइट आ गया तो इन्हें किस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये सब सीखने के लिए करना होगा आपको अगली वीडियो का इंतजार, यानी कि पार्ट टू। तो गाइज, नरेशन पार्ट टू देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर दें। मैं जल्दी ही पार्ट टू लेकर आती हूं, तब तक आपने जो इसमें सीखा है उसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लीजिए कि जब मैं पार्ट टू लेकर आऊं तो आपके लिए ये सारी चीजें एकदम क्लियर रहें, फटाफट आपको ये सब कुछ समझ में आया रहेगा तो आप उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी को ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है तो उन्हें कैसे बनाते हैं, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए। आई विल मीट यू सून विद पार्ट टू, टिल देन keep learning and keep practicing. Bye-bye. Take care.